नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले पे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि एक एम्प्लॉय, कैजुअल लेबर, टेम्पररी एम्प्लॉय, जो कि बहुत सालों से एक एस्टेब्लिशमेंट में या एक जगह पे काम कर रहे हैं, उनको परमानेंट करना चाहिए। तो केस कुछ ऐसा था कि एक एम्प्लॉय थे, टेम्पररी एम्प्लॉय, कैजुअल लेबर, जो कि गुजरात में पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज में काम कर रहे थे। अब उनके साथ ही एक और एम्प्लॉय थे, एक और कैजुअल वर्कर थे, उनको कोर्ट के फैसले के तहत उनको परमानेंट किया गया था। अब ये जो थे, जिनकी बात हम पहले कर रहे थे, इन्होंने भी कोर्ट में जाकर के कहा कि मेरे को भी परमानेंट किया जाए। तो जब इनका केस कोर्ट में गया, तो जो दूसरी साइड थी, दूसरी साइड स्टेट थी, स्टेट ने ये कहा कि जो पहले एम्प्लॉय हैं जिनको परमानेंट किया गया है, उनको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के तहत परमानेंट किया गया था। हमें डायरेक्शन थी कि उनको परमानेंट किया जाए, इसलिए हमने उन्हें परमानेंट किया। तो जब कोर्ट ने सारे मटेरियल्स एनालाइज किए, तो कोर्ट ने कहा नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनको परमानेंट करने को नहीं कहा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उनका केस आपको कंसिडर करने के लिए कहा था, और आपने कंसिडर करके उनको परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया है। तो क्योंकि आपने उनको परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया है, तो उनके साथ भी जो काम कर रहे थे, ही इज ऑल्सो एंटाइटल टू द सेम बेनिफिट, तो उनको भी आप पक्का एम्प्लॉय या परमानेंट एम्प्लॉय बना दीजिए। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो टेम्पररी एम्प्लॉयज होते हैं या जो कैजुअल लेबर होते हैं, जिनको हम कंट्रेक्चुअल लेबर भी बोलते हैं, उनको उतनी अच्छी पे या उतने बेनिफिट्स नहीं मिलते जो कि एक परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। क्योंकि एक परमानेंट एम्प्लॉय के जो पे एंड इमोल्यूमेंट्स हैं, जो पे एंड बेनिफिट्स हैं, वो लीगली गवर्नड होते हैं। अगर किसी को परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया है किसी भी जगह पे, तो उसको अगर उसके पीएफ नहीं मिल रहा या उसकी ग्रेचुटी नहीं मिल रही या उसकी पेंशन नहीं मिल रही, तो दैट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर के केस में नहीं होता। सो देयरफॉर कोर्ट ने ये कहा कि एक इन दिस केस जो टेम्पररी लेबर था, दैट लेबर वॉज वर्किंग फॉर अबाउट 30 years, 30 साल से वो उस एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि नहीं, उनको आपको परमानेंट करना पड़ेगा, उनको वो सारी बेनिफिट्स देनी पड़ेगी जो एक परमानेंट एम्प्लॉय को दी जाती हैं। और ये जो डिसीजन है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि दिस इज इन लाइन विद द पब्लिक पॉलिसी, जो कि है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो कि है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कंपनीज़ ना केवल प्राइवेट, सरकारी भी बहुत ज़्यादा टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करते हैं उन कामों के लिए जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ का होता है, जिनमें कि मतलब टेम्पररी एम्प्लॉयज़ आमतौर पर आप इस चीज़ के लिए एम्प्लॉय करेंगे जो कि बहुत ही टेम्पररी नेचर का वर्क है, टेम्पररी नेचर का कोई काम हो, उसके लिए आप टेम्पररी एम्प्लॉयज हायर करते हैं, इसीलिए उनको वो बेनिफिट्स और वो सैलरीज नहीं मिलती। पर एक बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड ये देखा गया है कि परमानेंट वर्क के लिए भी, फॉर एग्जांपल एक होटल इंडस्ट्री है, और होटल इंडस्ट्री में आपको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए ही चाहिए, कुक्स चाहिए ही चाहिए, तो ये एक परमानेंट एम्प्लॉय का ही काम है। पर अक्सर ऐसा भी देखा गया, कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इन कामों के लिए टेम्पररी एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है। तो टू सेट दिस थिंग राइट, सुप्रीम कोर्ट ने राइटली, एज पर माई ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट ने राइटली इस केस में ये कहा कि उनको आप परमानेंट एम्प्लॉय बनाएं।